हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नोटिस बताने जा रहा हूँ। नोटिस जो है 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में पूछा जाता है। ये 4 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। तो जो नोटिस होती है वो दो तरह की होती है, ज़्यादातर जो स्कूल में पूछी जाती है, एक स्कूल से रिलेटेड और एक कॉलोनी एरियाज से रिलेटेड। जैसे कि स्कूल में कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन, कोई इवेंट, कोई प्रोग्राम, कोई सेमिनार, कोई कॉम्पिटिशन होता है, तो हमें बच्चों को इन्फॉर्म करना होता है कि ये जो फंक्शन है, ये जो जो प्रोग्राम है, ये इस तारीख को इतने इतने बजे इस जगह पर होने वाला है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपने नाम मॉनिटर को या फिर हेड बॉय को या फिर क्लास टीचर को या फिर प्रिंसिपल को इस तारीख से पहले पहले दे सकता है। तो इस तरीके से हम उनको नोटिस के जरिए बच्चों को बता देते हैं कि ये प्रोग्राम होने वाला है। लेकिन क्योंकि मैं स्कूल से रिलेटेड आपको बता चुका हूँ, तो मैं आज आपको कॉलोनी जो एरियाज में हमारे फंक्शंस इवेंट होते हैं उसके बारे में, हम जब लोगों को वहाँ के रेजिडेंट्स को जब हम सूचित करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, तो उससे रिलेटेड बताने जा रहा हूँ। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन है, यू आर रोहित ऋतु, सेक्रेटरी हो आप ऑफ साकेत हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी के, ये आपकी संस्था का नाम है साकेत हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी दिल्ली। राइट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टू बी प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड। इन्फॉर्म करना है द रेजिडेंट्स को, निवासियों को, लोगों को, दैट की देयर वुड बी नो वाटर सप्लाई, कि भाई वाटर की सप्लाई नहीं आएगी या नहीं होगी फॉर 2 डेज के लिए, 2 दिनों तक जो है नहीं होगा, जो पानी की सप्लाई नहीं आएगी इन योर कॉलोनी में, ड्यू टू की वजह से मेजर पाइपलाइन रिपेयर वर्क के लिए, जो मेन पाइपलाइन है उसमें कुछ रिपेयर वर्क है तो इसीलिए ये पानी नहीं आएगा। तो इसके ऊपर आपको लोगों को सूचना देनी, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि भाई हमारे तो 2 दिन पानी नहीं आएगा, तो वो उसका अरेंजमेंट ही नहीं करेंगे पानी का, तो इसीलिए उनको इन्फॉर्म करना है। तो सबसे पहले देखो नोटिस में जो भी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन या कोई क्लब या कोई कॉलोनी या RWA या सोसाइटी जो भी है, वो जो जारी करती है नोटिस, इशू करती है, जो लिखती है, उसका नाम जो हम कैपिटल में लिखते हैं, शो करते हैं। तो ये रहा देखो आपकी संस्था का नाम साकेत हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी दिल्ली, तो हम यही कैपिटल में शो करेंगे, साकेत हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी दिल्ली। दिल्ली को आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला लेटर बड़ा और सारे छोटे, या फिर पूरा ही बड़ा लिख सकते हो। फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, फिर नोटिस दिखा देंगे, फिर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे डेट दिखा देंगे। कई बच्चे कहते हैं कि नहीं, डेट तो यहाँ दिखाना चाहिए, तो ठीक है डेट आप यहाँ दिखा लो, नोटिस यहाँ पे दिखा देना, फिर इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। फिर हमें इशू टाइटल हेडिंग लिखना है, तो टाइटल क्या था, नो वाटर सप्लाई, मुद्दा तो यही है, मेन जो टाइटल हेडिंग है वो यही निकल के आती है, नो वाटर सप्लाई। उसके बाद क्योंकि ये स्कूल से रिलेटेड तो है नहीं, कॉलोनी से रिलेटेड है, एरिया से रिलेटेड है, तो वहां पे जो निवासी हैं उनको हमें सूचना देनी है, ना कि बच्चों को देनी है, तो हम लिखेंगे ऑल दी रेजिडेंट्स। अगर ये स्कूल होता तो लिखते ऑल दी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कॉलोनी है तो हम लिखेंगे ऑल दी रेजिडेंट्स ऑफ दिस सोसाइटी, यानी सभी जो निवासी हैं ऑफ द सोसाइटी के, आर हेयर बाय इन्फॉर्म, उनको यहाँ के सूचित किया जाता है कि देयर विल बी नो वाटर सप्लाई, कि यहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं होगी ऑन 24th and 25th of August 2018, यानी 2 दिन नहीं होगा, क्योंकि अभी ये 2019 चल रहा है, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से आप लिख देना इन आर कॉलोनी में, ड्यू टू मेजर पाइपलाइन रिपेयर वर्क। तो नोटिस में अच्छी ये बात होती है कि क्वेश्चन में से ही आधी लाइन आप चिपका सकते हैं, निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर ऑल आर रिक्वेस्टेड, आर के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस लाइन है, इसलिए आपको पैसिव वॉइस अगर आता है टेंस के अलावा, मॉडल्स के अलावा, तो और अच्छी बात है। ऑल आर रिक्वेस्टेड, सभी को सूचित किया जाता है, सॉरी ऑल आर रिक्वेस्टेड, सभी को प्रार्थना की जाती है, सबसे प्रार्थना की जाती है, टू मेक, यानी करने के लिए, यहाँ पे मेक बनाना नहीं है, मेक का मतलब यहाँ करने से है, कि ऑल आर रिक्वेस्टेड, सभी को या सभी से प्रार्थना की जाती है, टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट, मतलब आवश्यक अरेंजमेंट करने की प्रार्थना की जाती है, कि भाई आवश्यक अरेंजमेंट कर लेना, एंड स्टोर कर लेना वाटर फॉर योर कन्वीनियंस, के लिए आपकी सुविधा के लिए टैंकर सर्विस जो है विल बी प्रोवाइडेड, विल बी के बाद देखो फिर आ गया
थर्ड फॉर्म ये भी पैसिव वॉइस लाइन है, टैंकर सर्विस विल बी प्रोवाइडेड, जो टैंकर सर्विस है उसको प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम 8 AM टू 9 AM तक, यानी एक घंटे के लिए टैंकर सर्विस भी दी जाएगी, तो आप उससे पानी भर लेना। और ये जो दो दिन जो पानी नहीं आएगा उसके लिए टेंशनबाजी किलकिलबाजी मत करना। फिर एक लाइन छोड़ के आपका जो भी क्वेश्चन में नाम दिया था, ये रहा देखो रोहित या फिर ऋतु, वो आपके ऊपर है, तो मैंने तो रोहित लिखा है पर एक लाइन का स्पेस छोड़ के लिखना है, तो हमने लिखा रोहित और आप थे क्या, आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, सेक्रेटरी थे आप, तो आपने लिखा सेक्रेटरी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका नोटिस, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। हमारा प्रयास आपको अगर अच्छा लगे तो हमें आप सपोर्ट करें, और इन फ्यूचर मैं आपको और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड करूँगा, जैसे पोल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया। ठीक है दोस्तों, तो जितना हो सके हमें सपोर्ट करें, अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे, हमारी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगे, और कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय।